हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज थोड़ी देर हो गई क्योंकि गया था बाल कटवाने। उठा थोड़ा देर में उठा था, 8-10 को उठा था, फिर उठा गया तो अनमंजन क्या बाथरूम गया, फिर गया बाल कटवाने। वहां पे थोड़े एक दो कस्टमर थे, उनके बाद मेरी बारी आई बाल कटवाने की। तो बाल कटवा के आया, फिर नहाया धोया, फिर ना छत पे थोड़ी देर घूमा, फिर मैं नाश्ता के लिए आया घर नीचे। तो आपको हेयर कट मेरा कैसा लग रहा है, नया हेयर कट? तो मैंने नया हेयर कट कटवाया है। तो पहले मैं करता था यहाँ तो पूरे गंजे करवा लेता था, ऊपर के बाल रहते थे तो घर पे डांट पड़ती थी। इस चक्कर में मैंने यहाँ से बाल हेयर कलर के कटवा लिए और इधर का साइड का ये डिजाइन बनवा लिया है दोनों साइड। तो आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं कमेंट करके जरूर बताएगा आपको मेरे नया स्टाइल कैसा लगा। और नाश्ते में मेरी फेवरेट चीज़ बनी है सेवैयाँ, और उसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं और अच्छा लगता है। सेवैयाँ तो ऐसे सेवैयाँ पसंद है, ड्राई फ्रूट पड़ गए तो और मज़ा आ गई, और साथ में रोटी। तो आप और ये देखिए सेवैयाँ मेरी आ चुकी है, बस मैं खाई क्योंकि बाकी सब खा चुके थे तो सेवैयाँ बची थी कढ़ाई में, तो मैं कढ़ाई में खा लेता सेवैयाँ। तो क्यों कटोरी गंदी करें, क्योंकि हम इंडियन लोग है ना, गंदा उंदा कम करते हैं। हंसी सब समझ गए होंगे, गंदा कम करते तो सब समझ गए होंगे। तो सेवैयाँ मेरी रेडी है और साथ में रोटी। तो मैं फिर आपको सेवैयाँ अपनी फेवरेट सेवैयाँ खा के। तो अभी जब मैंने रेटिंग अपलोड हो गई उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो बाद टाइम तो मैंने वीडियो देखा और एक्सेल पे काम किया काफ़ी, एक्सेल पे क्योंकि जो भी एक्सेल में डाटा एंट्री सीख रहा हूँ तो उस पर मैंने काम किया। मैंने सीखा उसको, मैंने कई बार रिट्राई किया, फिर मैंने फाइल डिलीट की, फिर मैंने उधर से कॉपी किया, फिर मैंने उसको फिर डाटा एंट्री पी वूट किया और कैसे पी लुकअप कैसे करते हैं पूरा उसको मैंने इसमें कंप्यूटर में लैपटॉप में मैंने किया था। तो अभी जैसे मैं सोचा ला ब्लॉगिंग शुरू करूँ, जैसे मेरी बैटरी शो करने लगा, 10% बैटरी बची है लैपटॉप की। ये जब भी मैं ब्लॉग इस लैपटॉप में जब भी मैं अपना कोई अपलोड वीडियो करता हूँ उसके बाद हमेशा ही कहते आ जाती इसमें 10% बैटरी लो। तो क्योंकि जब मैं ऑन कर जब रात में ऑन छोड़ता हूँ, बंद करके छोड़ता हूँ, तो उसमें जब लैपटॉप मेरा रात में बंद हो जाता है तब तो मेरी इसकी बैटरी चार्ज रहती है। क्योंकि जब मैं खाना खाने जाता हूँ तो बैटरी चार्जिंग पर लगा देता हूँ, फ़ोन भी चार्जिंग पर लगा देता हूँ कि जब भी मैं रात में मुझे ब्लॉग शूट करना पड़े तो बैटरी लो ना होए तो मैं लगा देता हूँ। और बैटरी जब मोबाइल की बैटरी होती है 33% या 15% पर तब जाके मैं लगाता हूँ। ध्यान रहा तो 15% लगा दी, नहीं ध्यान रहा तो बैटरी मोबाइल बंद, बैटरी ख़त्म, तब चार्जिंग लगाता हूँ। और रात में ब्लॉग एंड करके फिर अपना पबजी खेलना स्टार्ट होता है, फ्रेंड के साथ पबजी खेलता हूँ। और डिसीजन जब आपकी वाली मैंने अपलोड की है उस पर मैंने मिडनाइट गेमर मेरा दोस्त है उसका गेम का लिंक मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दी है। तो आप उसके चैनल को देखिए और उसकी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ उसके चैनल को लाइक करिएगा और ढेर सारा कमेंट करिए और ढेर सारा सब्सक्राइब दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर आप हमारे साथ जुड़े हैं वैसे भी हमारे दोस्त के साथ जुड़िए, फैमिली मेम्बर वो भी आपको गेमिंग का चैनल के बारे में बताएगा, टिप्स के बारे में बताएगा, आपको पूरी फुल मज़ा देगा आपको। और वो कमेंट का जवाब जरूर देगा, आप कोई भी कमेंट करें वो कमेंट का जवाब देता है। जो अभी काम बाकी था वो कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी मैं आपको चलता हूँ छत, इतना बढ़िया मौसम हो चुका है तो आपको अपना मौसम दिखाऊंगा। और लैपटॉप पे जो काम बचा था टोटल फिनिश हो चुका है और चलते हैं छत पे और आपको बढ़िया मौसम दिखाते हैं। आज तो मुझे ताव देता हूँ अभी देखेगा तो खड़ी वेट डाउन हो जाएगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरी मूछें कि ताव ऐसे बन जाए, ऐसे करते ऐसी खड़ी रहे मेरी, तो ऐसा कोई नहीं पा रहा है क्योंकि वो बैठ जा रही है बार बार। और बोलो भी तो फिर खड़ी रहे वो, जब सो उसको तो ऐसे करूँ तो नीचे हो जाए। तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा मैं ऐसे कैसे करूँ और इसका उपाय क्या है और ऐसे मेरी मूछें अच्छी लगेगी और बिना केमिकल यूज़ चाहिए मुझे, मतलब ऐसे ही चाहिए, मतलब जो नॉर्मल घर पे से हो जाए और या ऐसे कुछ अन्य से हो जाए, मतलब ऐसा नहीं चाहिए, मतलब कुछ केमिकल यूज़ करो पे मेरी मूछें ख़राब हो जाए और स्किन में कुछ दिक्कत हो जाए। तो ऐसा ना बताइएगा, ऐसा बताइए जो घर में ही वो चीज़ है उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताइए। तो चलिए मैं आपको छत पर ले जाता हूँ और बढ़िया व्यू दिखाता हूँ। पे आ चुका हूँ तो आप व्यू दे सकते हैं पीछे साइड, पीछे तक कम बादल थे, पहले ज़्यादा बादल थे अब तो कम हो गए।
तो इतने तगड़े बादल थे उस टाइम, सुबह टाइम, दोपहर टाइम वहाँ पे हो गए, फिर शाम टाइम उधर हो गए, फिर ऐसे चेंज होता रहा। और सुबह टाइम इतनी बादल करवाने गया था तो इतनी अच्छा मौसम था, और सोचा था यार मौसम ऐसे ही रहे, एकदम बादल बिल्कुल ना रहे, एकदम हवा चलती रहे, हवा चलती रही, साथ में धूप निकल आई। भगवान ने मेरा फेल कर दिया प्रोग्राम। तो आपको उधर से व्यू दिखाता हूँ, उधर से कितना अच्छा मौसम का व्यू आता है, और इतनी अच्छी व्यू दिखते हैं, और वहाँ के जो सामने मेरी रोड है वहाँ का भी व्यू कैसा दिखता है आपको पुल का, वो भी दिखाता हूँ अभी। जब भी मैं छत पे आता हूँ मैं अपने दो पौधे का मैसेज चेक करता हूँ, मैं वो दोनों का नाम एक ही है, गुड़ैल। तो एक गुड़ैल वाले में सफ़ेद फूल आता है और एक गुड़ैल में रेड फूल आता है। तो आप नीचे वाले देख सकते हैं, नीचे रेड फूल खिला हुआ है। तो मैं हर बार आता हूँ उसको देखता हूँ कौन सा फूल खिला है, किसी में पता होता है रेड खिला होता है, कभी किसी में वाइट खिला होता है दूसरे पौधे में। तो मैं अच्छा तो लगता है, क्योंकि गुड़ैल जल्दी पौधा कली भी आ जाती है और जल्दी खिल भी जाता है। तो आप देख सकते हैं इतना सुंदर लग रहा है रेड कलर का फूल। तो आप भी गुड़ा का पौधा लगा सकते हैं ना, आप जल्दी वो बड़ा भी हो जाता है और जल्दी आपका उसमें कली भी निकल आती है और साथ में अच्छा फूल भी देता है। ऐसा लगता है दो फूल है एक ही में, वैसे एक ही फूल है, ऐसा लगता है देखने में दो फूल। तो अभी ये खिलेगा, कल तक ये खिल जाएगा सुबह टाइम, और शाम टाइम बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सुबह खिलता है और शाम टाइम बंद हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर ये खिलते नहीं है, केवल सुबह एक दिन ही खिलेंगे और उसी दिन बंद हो जाएंगे। तो मैं ढेर सारे आपको कली दिखाई दे रही होंगी सब रेड रेड कलर की, वो एक एक दिन करके अपने आप टाइम से खिलेंगे और आपको भी देखने अच्छा लगेगा। मैं सोचता था एक साथ सारी खिल जाए, एक साथ सारी खिलती नहीं है, एक एक करके खिलती हैं, तो एक एक करके खिले और अच्छा लगेगा देखने में। तो आपको सफ़ेद वाली जगह पर बुरा एक पार ले पौधे पर ले चलता हूँ, देखें वहाँ पर कौन सा फूल खिला या खिला है या नहीं खिला। तो अभी इसमें प्लान फेल हो गया, क्योंकि इसमें फूल नहीं खिल पाया है, क्योंकि कलम बनी नहीं थी ज़्यादा, और कलम कुछ बनी है वो अभी खुली नहीं है, वो कल या परसों तक खुलेंगी तो उसमें फूल आएगा तब बढ़िया लगेगा। तो आप कल या कल वाले ब्लॉग में या अगले आने वाले ब्लॉग में आपको वाले फूल देखने को जरूर मिल जाएगा। साथ मैंने तुलसी का पौधा भी लगाया है, क्योंकि जब मैं चाय बनाता हूँ उसमें तुलसी जरूर डालता हूँ, हमारे को अच्छा देता है, और ऐसे भी तुलसी मैं खा लेता हूँ क्योंकि अच्छा मुंह में फ्रेशनेस हो जाती है और अच्छा और फायदेमंद माना जाता है। कोई ने बताया तुलसी, टीचर्स, पेरेंट्स ने और कई लोग ने मुझे एक्सेट्रा सबने बताया, तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसको आप खाइए या चाय में किसी में भी आज यूज़ करिए, हर चीज़ में वो आपको फ़ायदेमंद करेगा। जैसे ग्रैंड लगता था आप तुलसी के हर चीज़ में डाले, दूध में, पानी में, जूस में, तो अब वो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, क्योंकि तुलसी पत्ते इतनी चीज़ अच्छी हो जाती है ना, तो आपको फायदेमंद होता है। तो तुलसी पत्ता जरूर लगाइए या उसके पत्ते आप भी लगाइए और उसके पत्ते खाइए, तो आपके सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। हमको छत पे ना आए और पौधों के साथ टाइम ना बिताएं तो कैसा पूरा मन अच्छा नहीं रहता, क्योंकि दिन भर घर में रह के मन उब जाता है, और जब ऊपर आते हैं तो मौसम तब खुला खुला और फ्रेश हवा मिलती रहती है, तो कह सकते हैं साथ में प्रदूषण मिलता रहता है, बगल से गाड़ियाँ जा रही हैं, ओके ऐसा नहीं है, प्रदूषण कम मिलता है और साथ फ्रेश हवा आपको मिलती रहती है। तो आप फ्रेश हवा जब भी छत पे हो या छत पे गए हो तो छत पे शाम टाइम या सुबह टाइम आइए, आपको फ्रेश हवा मिलेगी। या आप मेडिटेशन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो शाम टाइम आप सुबह टाइम फ्रेश एयर में अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। साथ में चिड़िया की आवाज़ जिजाते हुए और ढेर सारे पौधे फूल आपको और देखने में अच्छा लगेगा। शाम को हवा भी चलती है ना साथ में, तो और अच्छा भी लगता है, कि जैसे आज हवा चल रही है इतना मज़ा आ रही है, क्योंकि ब्लॉग शूट करने में और मज़ा आ रही है, क्योंकि हवा भी चल रही है, साथ में पीछे बादल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे उन, और कितना अच्छा व्यू भी आ रहा है, जैसा लग रहा है मैं आसमान में वीडियो बना रहा हूँ। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। ऐसी सी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। अगर जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय।